नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता और प्रगति को सराहा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में इग्नू के रीजनल सेंटर ने भी किया दीक्षांत समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का किया उद्घाटन। कहा, मौजूदा सरकार ने पिछले कुछ सालों में कड़ी मेहनत कर बैंकिंग सेक्टर को संकट से निकाला। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया राष्ट्रपति का पुलिस पदक। आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा के सदस्यता के अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट में दायर की अपील। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर नया विश्व स्तरीय ज्ञान और विज्ञान सृजित करने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के बहुत से महत्वपूर्ण सुझावों में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारतीय विरासत पर गर्व करना चाहिए और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के 36वें कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता और प्रगति की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न उपाधियां और प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्रों में 55% संख्या महिलाओं की है। उन्होंने यह भी कहा कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों में आधे से अधिक संख्या लड़कियों की है। विशेष प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जेल इनमेंट भी इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये शिक्षा जेल इनमेंट्स के रिहैबिलिटेशन तथा कारावास से निकलने के बाद एक बेहतर जिंदगी शुरू करने में उनके लिए सहायक होगी। शिक्षा की धारा निराशा में आशा का संचार करती है तथा जीवन में आगे बढ़ने की योग्यता प्रदान करती है। उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये प्रसन्नता का बात है कि बड़ी संख्या में दिव्यांग विद्यार्थियों भी इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रही है। देवियों और स्वजनों, बहुत से विद्यार्थियों को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी और सर्कमस्टांसेस की वजह से हायर एजुकेशन को जारी रखने में कठिनाई होती है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में इग्नू जैसे संस्थान बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसी व्यक्ति जो अभी नौकरी या स्वरोजगार में व्यस्त है, वे भी स्किल अपग्रेड करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इग्नू से अपनी शिक्षा जारी रख रही है। ऐसे अर्नर और लर्नर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके अंडर एम्प्लॉयमेंट से बाहर आ सकते हैं और प्रगति के नए स्तर प्राप्त कर सकते हैं। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में इग्नू के रीजनल सेंटर द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्रों और शिक्षकों ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। आज नई दिल्ली में सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था में विश्वास बहाल करना था और इसलिए बेनामी संपत्ति और कालाधन के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार ने हमारी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के मूल आधार को नष्ट कर दिया था।
श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्षों में वर्तमान सरकार ने कठिन परिश्रम कर बैंकिंग क्षेत्र को संकट से बाहर निकाला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ब्यूरो के 3 अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट जांच अधिकारी के गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह के सिलसिले में स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन किया। जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। कोटि कोटि भारतीयों ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का निर्माण प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बिना संभव नहीं है। और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा के सदस्यता के अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट में अपील दायर की। राहुल गांधी को सेशन कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी और उनकी अपील पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरण रिजिजू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे गुजरात में कथित शक्ति प्रदर्शन कर न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि किसी दोषी के लिए अपील दायर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना जरूरी नहीं है, लेकिन वह नेताओं और सहयोगियों के एक समूह के साथ व्यक्तिगत रूप से सूरत जा रहे हैं, जो केवल न्यायपालिका पर दबाव बनाने की बचकानी कोशिश है। This is not the first time that a politician is convicted of a crime. When Narasimha Rao, former Prime Minister of the Congress Party, was convicted, did Congress Party raise this kind of hue and cry and then put pressure on the judiciary? Never. Even Chidambaram recently went to jail. Did Congress went around shouting like this and putting pressure on the court? Never. The basic issue is Congress party treats one family, one leader from a family as a person above the country. Forget above the party. This kind of psychopathy towards one family, it's not good sign for the democracy. My point is very simple. Why Congress party is trying to put this kind of undue pressure to the judiciary? There are means and ways to deal with all judicial matter,
But is this the way? Has there ever seen a case like where the entire party is, trying to get out a court? When ED takes action, they want to get out the ED office. When CBI takes action, they want to get out CBI. When court gives a verdict, they want to take over the court complexes. This kind of activities is demeaning the Indian democracy. अरुणाचल प्रदेश के तावंग सेक्टर में बीते 27 मार्च को एक लैंडस्लाइड की चपेट में आकर दम तोड़ने वाले भारतीय सेना के सूबेदार एएस धागाले का शव शनिवार को बरामद किया गया। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि चार दिनों तक चले तलाशी अभियान के बाद सेना के जवान एएस धागाले का शव बरामद किया गया। सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता सहित कई अन्य सैन्य अधिकारियों ने सूबेदार धागाले के सर्वोच्च बलिदान पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन का साइंस 20 सम्मेलन आज से त्रिपुरा में अगरतला के हपानिया अंतर्राष्ट्रीय मेला मैदान में शुरू हो गया है। G20 की बैठकों के एक भाग के रूप में क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर विषय पर हो रहे इस विज्ञान सम्मेलन में 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि विश्व को अप्रत्याशित मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मणिपुर और मेघालय के संसद सदस्यों से मुलाकात की और नाश्ते पर उनकी मेजबानी की। इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद तापिर गांव और राज्यसभा सांसद नाबाम रिबिया भी मौजूद थे। पूर्व पत्रकार और कांग्रेस नेता तासु ग्रायु की हत्या के मामले में जल्द न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज लोअर सुबानसिरी जिले के जीरो स्थित हापोली टाउन में स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली। रैली में लोगों ने तासु ग्रायु के लिए इंसाफ की मांग की। तवांग जिले के जेमितांग सर्कल में भारत तिब्बत सीमा पर देश का आखिरी गांव लुम्पो पिछले 30 वर्षों से टोबेको फ्री यानी तंबाकू मुक्त है। लुम्पो के गांव बुढ़ा नवांग चौटा ने बताया कि लुम्पो गांव का कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं करता और यह गांव पूरी तरह तंबाकू मुक्त है। वेस्ट सियांग जिले के लीरोमोबा से विधायक न्यामर कारबाक ने शनिवार को लेपारादा जिले के बसार स्थित गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक गोकर बासार, लेपारादा की जिला उपायुक्त ममता रिबा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। विधायक गोकर बासार ने बताया कि नया कंप्यूटर लैब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा और इससे अन्य ऑनलाइन परीक्षाएं कराने में भी मदद मिलेगी। स्पेशली ये जो है कंप्यूटर लैब के लिए भी मैं बहुत काम किया, तो उसके बाद स्पेशली आज जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पे हमारा बाजार पे हमारा बीसी को यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बीसी को यहाँ पे बुलाया बाजार पे, और तुरंत उसके बाद यहाँ पे बुलाने के बाद मैंने फॉलो अप किया, दो तीन बार उससे मैंने मिला, तो उसके बाद ये सेंटर को दिया गया है। तो स्पेशली ये हम किस लिए कर रहा है कि भी मैंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में और इलेक्शन पे मैं हमेशा कहा कि एजुकेशन को मैं आगे ले जाएंगे, तो
इसका जो है आज जो है कंप्यूटर लैब जो है हमारा ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर को भी बैकअप देंगे, और उसके बाद स्पेशली हमारा जो मॉडल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के लिए भी एक अपना कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी वो यूज में आएंगे, और उसके बाद जब सेंट्रल जॉब्स के लिए स्पेशली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी जब इंटरव्यू करवाएंगे, और उसके बाद स्पेशली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंटरव्यू करवाएंगे, तो इस कंप्यूटर लैब को यूज कर सकेंगे। तो मेरा यूथ के लिए स्पेशली लफारादा के यूथ, वेस्ट सियांग के, सीओमी के और लोअर सियांग और जितना भी यहाँ का सियांग बेल्ट और उसके बाद अपर सुबनसिरी के यहाँ का यूथ जो है और हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ, इसे इस प्रोविजन को, इस फैसिलिटीज को यूज कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। अप्रैल में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं अब तक के मन की बात कार्यक्रम के चुनिंदा अंश। 31 दिसंबर 2017 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जीवन के बारे में जानकारी दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर असम के यादव पायेंग ने आज इस सियांग जिले के सिलुक गांव में पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, इस सियांग के जिला उपायुक्त ताई तागु सहित कई अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सिलुक गांव में पौधारोपण किया। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी प्रभानंद महाराज का शनिवार को कोलकाता में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई अन्य नेताओं ने स्वामी प्रभानंद महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारतीय सेना ने ईस्ट कामेंग जिले के लादा गांव में एक मेडिकल कैंप आयोजित किया, जिसमें 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कैंप में जरूरतमंद लोगों को मेडिकल चेकअप, दवाएं और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता प्रदान की गई। स्थानीय लोगों ने सेना के मेडिकल कैंप को सराहा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।